हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक करेंट अफेयर्स, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे और हर वीक हम लोग छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, राजधानी रायपुर के नव निर्वाचित महापौर है, तो कौन है इसके नव निर्वाचित महापौर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर, इजाज ढेबर जी। तो अभी अभी नगर निगम का चुनाव हुआ है, तो उनमें जो नव निर्वाचित महापौर है उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो प्रदेश के नव निर्वाचित महापौर है उसमें पहला बिलासपुर का देखे तो रामशरण यादव है, दूसरा जगदलपुर का देखे तो सफीरा साहू है, तीसरा राजनांदगांव का देखे तो हेमा देशमुख है, चौथा रायपुर का एजाज ढेबर, चिरमिरी का कंचन जायसवाल, धमतरी का विजय देवांगन, रायगढ़ के जानकी काटजू और दुर्ग के हैं धीरज बाकलीवाल। बाकी दो जगह का अभी नहीं आया है, तो उसके बाद जब आ जाएगा तो हम उसको अपडेट कर देंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब इसमें। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ साहित्य महोत्सव और राष्ट्रीय किताब मेला का आयोजन कहाँ होना है? तो कहाँ होना है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट रायपुर। फिर आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं इसका, छत्तीसगढ़ साहित्य महोत्सव और राष्ट्रीय किताब मेला कहाँ होना है आपका, तो शंकर नगर रायपुर में होना है। कब से कब तक? तो 14 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच होना है। इसका कौन सा संस्करण है? तो 18वां संस्करण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में नया खुला जेल किस जिले में खोला जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेमेतरा, बेमेतरा में खोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, पथर्रा बेमेतरा, छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने पथर्रा में प्रदेश का नए खुले जेल के लिए 25 करोड़ राशि की मंजूरी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग 2019 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सुकमा, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग 2019 में देश के 115 आकांक्षी जिलों में सुकमा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये बहुत ही खराब रैंकिंग है, क्योंकि जो आकांक्षी जिलों की बात होती है तो इसका मतलब ये होता है जहाँ बुनियादी चीजें की सुविधा नहीं होती, जैसे कि सेवा, स्वास्थ्य, बिजली आदि मूलभूत चीजें हैं वो उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, इसलिए उन जिलों को क्या कहा जाता है? आकांक्षी जिले कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कब से कब होना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच। तो आप यहां देख सकते हैं वर्ल्ड स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2020 की बात करें तो 18 अप्रैल से 24 अप्रैल 2020 में होना है। स्थान कौन सा है? तो इंडोर स्टेडियम रायपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देश का पहला बास्केटबॉल लीग का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव में होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, इंडियन बास्केटबॉल लीग आईबीएल 2020, जिसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं? 16 राज्यों की 150 टीमें। आयोजन कहाँ होना है? तो राजनांदगांव में होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यमंत्री ने असंगठित मजदूरों के लिए सहायता कोष की घोषणा की है, जिसमें दिवंगता की स्थिति में कितने रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो देखिए इस केस में क्या है, 50,000 रुपए है और मृत्यु हो जाने पर 1,00,000 रुपए है। अगर आप हमारे डेली करेंट अफेयर देख रहे होंगे तो उसमें मैंने इस बात को बताया था, मुख्यमंत्री कोष से कितना रुपए प्रदान करेंगे यदि उनकी मृत्यु हो जाती है या दिवंगता की स्थिति आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, मुख्यमंत्री सहायता कोष, मुख्यमंत्री ने असंगठित मजदूरों के लिए सहायता कोष की घोषणा की है, जिसमें मजदूरों की दिवंगता की स्थिति में 50,000 रुपए और मृत्यु होने पर 1,00,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सिंगापुर में हुए कत्थक नृत्य में मेरिटियस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा याना अग्रवाल। यहाँ देखिए आप, याना अग्रवाल जो कि रायपुर से है, सिंगापुर में हुए कत्थक नृत्य में मेरिटियस सम्मान से सम्मानित किए गए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एशियन म्यूथाई चैंपियन में भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मीसा सिंधु ने। तो देख सकते हैं यहाँ पे, मीसा सिंधु जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, एशियन म्यूथाई चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत विकास मॉडल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, गांव खुशहाल तो छत्तीसगढ़ खुशहाल।
तो देखिए आप यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत विकास मॉडल गांव खुशहाल तो छत्तीसगढ़ खुशहाल। फिर आपका 11वां क्वेश्चन है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF वाइल्ड लाइफ पद में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अतुल शुक्ला को। तो आप इसका देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए आप PCCF राकेश चतुर्वेदी है और PCCF जो वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो अतुल शुक्ला है। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि कौन क्या है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर आप यहाँ पे देखिए, जो CGPSC 2019-20 का ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है हमारा, जो हर संडे को होता है, वो अवेलेबल है। आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और जिसका फीस मात्र 35 रुपये है। एक टेस्ट देने पर आपको सिर्फ 35 रुपये देना होगा, और हर संडे को इसका टेस्ट आयोजन किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप करेंट अफेयर को PDF फॉर्म में चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां ज्वाइन हो जाइए, आपको ये PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा।